पर इतना भरपूर एक्शन चल रहा है, रोज निफ्टी सेंसेक्स नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। बैंक निफ्टी कब नया रिकॉर्ड बनाएगा सर? 30,000 तो क्रॉस हो गया, क्या 32,000 के ऊपर बैंक निफ्टी भी अब आते हुए दिखता है? मैं लेवल बता सकता हूं, समय नहीं। 32,600 के ऊपर नया रिकॉर्ड बनाएगा, जो पुराने रिकॉर्ड है 32,630-40 के आसपास। लेकिन हाँ दीपा, अच्छी बात है कि पिछले दो दिनों से बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है कि भाई बहुत हो गया, अब मुझे भी थोड़ा काम करने दो। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि दो दिनों से जो अच्छी बात हुई है बैंक निफ्टी में वो ये कि 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग। लेकिन एक कम अच्छी बात जो मुझे बैंक निफ्टी में दिख रही है, 30,000 के ऊपर निकलने के बाद जो मतलब गोली होना चाहिए, रॉकेट होना चाहिए, जो भागना चाहिए, वो अभी भी मिसिंग है। और उसकी बड़ी वजह है एचडीएफसी बैंक। सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला एचडीएफसी बैंक, जब से उनका वो डिजिटल कार्ड्स पर जो रोक लगाने का मामला आया था आरबीआई की तरफ से, तब से एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। और जब तक एचडीएफसी बैंक ये वापस से एक्शन में ना आए, तब तक बैंक निफ्टी के लिए लाइफ हाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसका मतलब ये नहीं कि बैंक निफ्टी लाइफ हाई पर नहीं पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा और होगा भी। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार की बैंक निफ्टी 500-500 पॉइंट के ब्लॉक में ट्रेड कर रहा है, 29,000 से 29,500 की रेंज में थोड़ा वक्त बिताना चाहता है। लेकिन मैं ऑनेस्टली कहना चाहता हूं कि 30,000 को दो दिन तक ऊपर बंद करने के बाद जैसी एकदम तेजी बैंक निफ्टी में बननी चाहिए, अब वो बैंक निफ्टी में ना वो एनर्जी खत्म हो रही है। पहले कैसा था, एक बड़े लेवल को पार किया और उसके बाद रुकना नहीं, देखना नहीं, पीछे आना नहीं। हालांकि अच्छी बात है कि 30,000 को पार करने के बाद 30,000 तोड़ने के मूड में कल भी नहीं था, 29,950 का लो थोड़ी देर के लिए बनाया, लेकिन 30,000 के ऊपर बैंक निफ्टी टिका रहा। तो मुझे अब जो समझ में आ रहा वो ये है कि बैंक निफ्टी शायद थोड़ा सा 30,000-30,500 के रेंज में कंसोलिडेट करे, और एक बार 30,600-30,800 ब्रॉड रेंज वो है जहां पर आखिरी पड़ाव है दीप बैंक निफ्टी के लिए रुकने का, और वो पार करने के बाद आप बैंक निफ्टी को 32,000 के ऊपर भी जाते हुए देखेंगे, वहां पर भी लाइफ टाइम हाई के नजदीक जा सकते। तो डेफिनेटली अब जब मिड कैप्स में लोग इस तरह के मौके ढूंढ रहे कि कौन सा नहीं चला, तो लार्ज कैप्स में क्यों नहीं होगा? अब आप ये तो नहीं कह सकते कि बैंक नहीं चले, लेकिन हाँ फिर भी बैंक निफ्टी की जो अंडर परफॉर्मेंस है, कहां 12,400 वाला अब 13,400, लगभग 8% निफ्टी ऊपर है अपने पुराने लाइफ टाइम हाई से, और अभी भी 8-7% नीचे है बैंक निफ्टी अपने पुरानी लाइफ टाइम हाई से। तो यानी कि 15-16% की जो अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की है निफ्टी के मुकाबले में, वक्त आ गया है वो धीरे धीरे कम होगी।